हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी एडवाइस में। फ्रेंड, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। जो भी हमारे सीएसबी संचालक हैं या सीएससी के भेली हैं या फिनो बीसी मर्चेंट है या जो भी व्यापारी हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं जिनका ज़्यादा ट्रांजैक्शन है साल का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। क्योंकि ये भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने एक दिशा निर्देश लागू किया है जिसको सभी को पालन करना होगा। जिनका ट्रांजेक्शन साल में टर्नओवर ज़्यादा है उनको ये चीज़ को पालन करना है। उन्हें क्या करना है, एटीएम कार्ड और यूपीआई से पेमेंट लेना है और देना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर 5000 रुपये तक का पेनाल्टी लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। फ्रेंड, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका सर्कुलर भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी कर दिया है। तो इसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा। वो आपको पीडीएफ फाइल ऑफिशियल आपको भारत सरकार का भी दिखा दूंगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, टर्म एंड कंडीशन में सब आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो नए नए लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा डीजी मेल। जो भी हमारे सीसी भेली भाई ये जानते हैं, अच्छा जो हमारे फिनो के हैं उनके पास ये नहीं आएगा, मैं जो सीसी भेली भाई उनके पास मेल आया हुआ है। मैं अभी आपको आरबीआई का भी सर्कुलर भारत सरकार का बता दूंगा। देखिए इसमें लिखा ऊपर ही है, यहाँ पर सर्कुलर 32/2019 एंड नोटिफिकेशन 105/2019 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 एसयू एंड पेनाल्टी एट द रेट 5000 पर डे अंडर सेक्शन 271 DB ऑफ इनकम। फ्रेंड एकदम ऊपर ही लिखा है कि ये सेक्शन है, इसमें 5000 रुपये पर डे का आपका पेनाल्टी लग सकता है। तो मैं क्या किया हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ, तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसी चीज़ को मैंने देखिए हिंदी में ट्रांसलेट किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह आपको सूचित करना है कि CBDT ने नोटिफिकेशन 105/2019 और सर्कुलर 32/2019 30/12/2019 को कुल बिक्री टर्नओवर रुपये से अधिक के कुल सकल प्राप्तियों वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनिक मोड निर्धारित किए गए हैं। 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड का माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करें। मतलब फ्रेंड ये क्या है कि 30/12 मतलब 1 तारीख से, माने इस साल से, नए साल से लागू हुआ है कि जो भी हमारे बिजनेस मैनेजर, जो भी भेली भाई हैं या कोई भी जो काम सीएसपी काम करते हो, जिनका 50 करोड़ का साल में अगर टर्नओवर है, ट्रांजैक्शन है, उनको ज़्यादातर ट्रांजैक्शन इन 3 माध्यमों से लेने। देखिए क्या चीज़ है, एक डेबिट कार्ड से लेना है, डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे पे, मतलब जो रुपे पे का डेबिट कार्ड होता है उससे आपको ट्रांजैक्शन लेना है या देना है। उसके बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब UPI, आप भीम हुआ, चाहे फ़ोनपे हुआ, चाहे पेटीएम हुआ, चाहे गूगल पे हुआ, इनसे आपको पेमेंट लेना है और देना, नहीं तो UPI QR कोड से आपको पेमेंट लेना। देखिए यहाँ पे फास्ट एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ये 3 चीज़ों का आपको उपयोग करना है। अगर आपका ट्रांजेक्शन साल में ज़्यादा है तो आपको इस चीज़ का यूज़ करना ही होगा, नहीं करते हैं तो आपको ऊपर पेनाल्टी लग सकता है, आपको पर डे का 5000 रुपये तक पेनाल्टी देना पड़ सकता है। फ्रेंड, तो हमारे जो भी बीसी मर्चेंट हैं या जो भी बिजनेसमैन है, क्यों बीसी मर्चेंट को पता है, एक तो पहले ही ऑलरेडी आरबीआई ने नियम लगा दिया है कि अगर वो साल का 2 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन, 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो उनको 2% TDS देना है। एक तो अभी उससे उभरे ही नहीं है हमारे जो भी सीएससी भेली है, चाहे जो भी हमारे बीसी कॉरपोरेंडेंस है, किसी भी बैंक से वो सीएसपी चलाते हो, अभी उभरे नहीं है, तब तो एक नया नियम आ चुका है। देख लीजिए आप, यहाँ लिखा है, इसलिए 1 जनवरी 2020 से प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। हालांकि यह निर्देशित व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे इस तरह की विफलता के लिए अधिनियम की धारा 271 DB के तहत 1 फरवरी 2020 से प्रतिदिन 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। देख लीजिए फ्रेंड, प्रतिदिन 1 फरवरी से आपको 5000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। ठीक है, संकलन आपके संदर्भ के लिए परिपत्र है। देखिए फ्रेंड, एकदम पूरी तरह से एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आपको ATM कार्ड का यूज करना है, UPI का यूज करना है, UPI QR कोड का यूज करना है। अगर नहीं करते हैं, आपका ट्रांजेक्शन 50 करोड़ से ज़्यादा साल में होता है तो आपके ऊपर 5000 से ज़्यादा का पर डे का जुर्माना लग सकता है। देखिए इसका सर्कुलर मैं ऑफिशियल भारत सरकार का दिखा, देखिए ये रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए यहाँ पे 30 दिसंबर को आया हुआ है, एकदम पूरा स्पष्ट शब्द में यही चीज़ इसमें लिखा गया, मेंशन किया गया कि आपको इन इन चीज़ों को फॉलो करना है, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आप पेनाल्टी के लिए तैयार है। फ्रेंड, ये बहुत बड़ा
खबर है हमारे जो भी बीसी मर्चेंट हैं, जो भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए, उनको इस नियम को फॉलो ही करना होगा, करना है तो करना है। सरकार पूरी तरह से बाध्य कर रही है, बस आपको भाई इस चीज़ से ट्रांजेक्शन करना है तो करना है। पता नहीं आगे क्या हो रहा है, हमारे जो भी बीसी मर्चेंट है वो कैसे क्या काम करेंगे हमको समझ नहीं आ रहा है। तो इतना ज़बरदस्त नोटिफिकेशन है हमारे RBI, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, आप लोग भी सतर्क हो जाए, आप लोग भी जान जाए कि हमें आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे साथ घटित। तो आज का वीडियो यहीं था। इस वीडियो को जितना लाइक शेयर हो सके उतना लाइक शेयर कीजिएगा कि जो भी हमारे बिजनेसमैन है, जो भी हमारे बीसी मर्चेंट है जिनका ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, उनके पास से पहुँचना चाहिए, उन लोगों को भी जान लेना चाहिए कि आगे हम लोग साथ क्या घटने वाला है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले नए नए वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड।